बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट और स्पंजी ब्राउनी आज हम बनाएंगे पूजाज किचन ट्रेजर ऑफ फूड में। बहुत ही टेस्टी ये ब्राउनी बनती है और बच्चों को तो खूब मज़ा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्राउनी बनाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजाज किचन ट्रेजर ऑफ। और ब्राउनी हम जो बनाएंगे बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाएंगे, तो ये ब्राउनी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और रेस्टोरेंट में जाकर जो आप ब्राउनी खाते हैं उससे भी ज़्यादा आपको पसंद आएगी। और रेसिपी बनाने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी डिशेस अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने अगर मेरी डिश ट्राई की है तो वो कैसी बनी है। और अगर आपका कोई सजेशन है जिससे कि मैं अपने किचन को और भी इम्प्रूव कर सकूं, अगर ऐसा कोई सजेशन है तो आप ज़रूर दीजिएगा और मैं उसे फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करूंगी। तो ब्राउनी बनाने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि मैं अपने वीडियोस में जो जो इंग्रेडिएंट्स और यूटेंसिल्स यूज़ कर रही हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ वहाँ से अच्छी लग रही है तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों का बहुत ही फेवरेट ब्राउनी और बनाएंगे बहुत ही अलग तरीके से। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं ब्राउनी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ डार्क चॉकलेट जो कि ब्राउनी का मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बाउल भर के कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क जो है बाजार घर का बना भी ले सकते हैं। जितना मैंने कंडेंस मिल्क लिया है उतनी ही मैंने पाउडर शुगर ली है। साथ ही लेंगे हम बटर, ये सॉल्टेड बटर है और बाउल के नाप से लगभग 2 बाउल भर के मैं मैदा इसमें लूँगी। मैंने यहाँ पर लिया है अभी हम बेकिंग पाउडर लेंगे जो है रूम टेम्परेचर पर हमने लिया है। साथ ही मैंने लिया है कोको पाउडर लगभग 2 बड़े चम्मच भरकर। और यहाँ मैं ले रही हूँ बादाम, कटे हुए बादाम ले रही हूँ, इन्हें सजाने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं टेस्टी वाली ब्राउनी। चॉकलेट जो हमने ली है वो 1/4 ली है, पूरा जो ये हमने पैकेट लिया है उसका 1/4 पीस लिया है। तो ये जो ब्लैक चॉकलेट है इसे हम टुकड़ों में तोड़ देंगे। इसे हमें मेल्ट करना है, 2-4 टुकड़ों में इसे हमें तोड़ देना है ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पर मैं ये थोड़ी सी चॉकलेट और ले रही हूँ और इसे भी इसमें डाल देंगे। गैस पे मैंने पानी रख दिया है और इसमें हम ये चॉकलेट रख देंगे ताकि ये चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये आपका जो बर्तन है वो पानी के बिल्कुल भी संपर्क में आए, क्योंकि आपकी इससे चॉकलेट जो है ख़राब हो सकती है। तो ये अब धीरे धीरे अपना आप ही मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। जब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है तब तक हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। हम सबसे पहले जो है मैदा इसमें डाल देंगे। ये मैंने 1 कटोरी लिया, इसमें डाल देंगे, और ये 2 कटोरी इसमें डाल देंगे। और साथ ही ये जो हमने पाउडर शुगर ली है वो भी इसमें डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो तो आप चीनी को भी घर पर पीस कर इसका इसमें डाल सकते हैं। पाउडर शुगर जो है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद है उस अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को, पाउडर शुगर और मैदा जो है इसे बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है। साथ ही हमने जो ये कोको पाउडर लिया है, कोको पाउडर भी इसमें डाल देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट अलग से इसलिए मिक्स कर रहे हैं ताकि बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ ना रहें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो चॉकलेट है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और अब इसे हम निकाल लेंगे। हमारी जो चॉकलेट है
इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं पूरा बाउल भर के कंडेंस मिल्क ले रही हूँ, वो इसमें हमें डालना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंडेंस मिल्क ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, अगर ये ज़्यादा ठंडा होगा तो चॉकलेट इसके साथ ठंडी हो जाएगी बहुत ज़्यादा और ये चॉकलेट इसमें जम जाएगी। यहाँ पर मैं बटर ले रही हूँ, लगभग एक बड़ा चम्मच, और ये दूसरा, दो बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें बटर डाला है। और अब इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है। बटर जो है इसमें एकदम अच्छे से हमें मेल्ट करना है। जब तक हम इसे मेल्ट कर रहे हैं मैं आपको इसके सारे टिप्स बता देती हूँ। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कंडेंस मिल्क है वो बिल्कुल फ्रिज वाला आपको यूज़ नहीं करना है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए कंडेंस मिल्क। ये देखिए, इस तरह से आपको बटर को इसके अंदर मेल्ट करना है अच्छे से। अगर आपका मिक्सचर ज़्यादा टाइट हो रहा है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी के, मतलब ये जो बाउल जिसमें आप मिक्स कर रहे हैं उस बाउल को आप थोड़ी देर के लिए गर्म पानी के नीचे रख सकते हैं। अब इसमें धीरे धीरे करके हमें मिल्क ऐड करना है। जो मिल्क मैंने लिया है वो भी रूम टेम्परेचर पर ही लिया है। लीजिए, हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। और अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार किए थे वो इसमें डाल देंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ड्राई इंग्रेडिएंट हमें एक साथ नहीं डालने हैं। अभी मैंने लगभग दो बड़े चम्मच इसमें ये डाले हैं। एक बार इनको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद दोबारा से हमें इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने हैं। कि बच्चों की स्कूलें बंद हैं, लॉकडाउन है, तो आप बच्चों को इस तरह से घर पे आसानी से ये खिला सकते हैं। इस मिक्सचर को आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अब आपको ये कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह का जो टेक्सचर है मिक्सचर का वो होना चाहिए। ये देखिए, तो चलिए हमारा मिक्सचर तो रेडी है, तैयार कर लेते हैं अपने स्टैंड। आज मैं इस तरह के बाउल्स ले रही हूँ। अब मैं ये बाउल्स इसलिए आपको बताने के लिए ले रही हूँ कि आपके पास अगर कोई स्टैंड नहीं हो ब्राउनी बनाने के लिए तो आप इस तरह के बाउल्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टैंड हमारे तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ये थोड़ा थोड़ा जो घी है इसमें लगा दिया। और इनको बिल्कुल अच्छे से, पूरा अच्छे से ग्रीस करना है हमें। घी जो है चारों तरफ अच्छे से लग जाना चाहिए। इसी तरह से दूसरे जो बाउल हैं उनमें भी एकदम अच्छे से मैदा भी इसमें कोट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा मैदा जो है हटा दीजिए और इस तरह से आपको जो बर्तन है जिसमें आप ब्राउनी बना रहे हैं उसे इस तरह से रेडी कर लेना है। तंदूर को मैंने लगभग 10 मिनट के लिए प्री हीट के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। और अब हम हमारे जो हमने बाउल्स भरे हैं ब्राउनी के वो एक एक करके इस तरह से रख देंगे और इसको ढक के रख देंगे और लगभग 40 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हमारी ब्राउनी के क्या हाल हैं। और ये देखिए हमारी ब्राउनी रेडी है। मैंने इसके साथ ही दो बाउल में और ब्राउनी रख दी थी, तो ये हमारी ब्राउनी जो है रेडी हो गई है। और अब इनको निकाल लेंगे हम। बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है। मैं आपको एक ब्राउनी जो है निकाल के दिखाती हूँ। हमारी हमने जो दो ब्राउनी बाद में लगाई थी वो बाकी है अभी बननी, तो इसको बनने के लिए रख देते हैं।
और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी ब्राउनी हमारी रेडी है। और अगर गर्मियों के सीज़न में आप ब्राउनी बना रहे हैं तो उसे आइसक्रीम के साथ ज़रूर सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए हमारी गोल वाली ब्राउनी है और इसको भी हम कट कर लेंगे। चॉकलेट ब्राउनी जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और डेफिनेटली आप बड़ों को भी बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इस ब्राउनी को बना के देखिए घर पे, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इस डिश को ट्राई करना ना भूलिएगा अपने घर पर और इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए इसमें कितना स्पंजीपन जो है, कितना ज़्यादा ये स्पंजी बनी है हमारी ब्राउनी। ये हमने जो ब्राउनी बनाई है फजी टेक्सचर में बनाई है, इस तरह का जो टेक्सचर है ये फजी टेक्सचर कहलाता है। और फ्रेंड्स आज फिर आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर वीडियो देखने के बाद आपको ये डिश पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। मिलते हैं एक और एक इंटरेस्टिंग सी डिश के साथ। थैंक यू।